सत श्रीकाल एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हो जी किदा सर, आई होप तुसी सर वधिया होंगे। तो जी दक्षई में एक और बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है, सेंट पैट्रिक्स चर्च, चल के वो देखते हैं। और ये मिलिट्री एरिया के अंडर है, तो आपको परमिशन लेके यहाँ आने देंगे। और ये एरिया आप देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी, और ये सारा मिलिट्री के अंडर एरिया, और कितनी ज़्यादा शांति यहाँ पर। और यहाँ से रास्ता नीचे जाता है चर्च की तरफ, और वो सामने रहा सेंट पैट्रिक्स चर्च, कि आयरिश सोल्जर्स ने बनाया था 1852 में, और उस समय से बनाने की लागत आई थी 5,030 रुपीज़। तो चलो चल के देखते हैं, जरूर लेट्स गो। कार हमने वहां पार्क कर दी रोड पर, नीचे रास्ता जाता है चर्च की तरफ। ये बहुत ब्यूटीफुल चर्च है, सेंट पैट्रिक्स चर्च। जोरावर देखेंगे ना, ब्यूटीफुल चर्च है ना, 1852 च बने हुए। इन्हें भी ऑलमोस्ट 170 ईयर्स हो गए। देखिए ना कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है ये चर्च भी, पूरा स्टोन से बना हुआ है, और इतने साल पुराना आज भी देखो एज इट इज, है ना ब्यूटीफुल। और ये जो चर्च है सेंट पैट्रिक्स चर्च, ये एक हेरिटेज साइट है दक्षई की, और मस्ट विजिट प्लेस है ये। अगर आप दक्षई आते हो तो जरूर इसे विजिट करें। तो ये चर्च का मेन गेट, और ये तो डोर क्लोज है, देखते हैं साइड से तो नहीं कोई एंट्री है। भैया खोल रहे चर्च अपने लिए, बता शूज उतार लो। जरा चेयर देखो, वेरी ब्यूटीफुल चर्च। इतना ब्यूटीफुल बनाया है चर्च, और मेंटेन भी बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। इतनी प्रेयर करते हैं। सीलिंग आप देखिए पूरी वुडन सीलिंग, मजहब कोई भी हो है ना, जो रब का घर होता है वहां आके एक सुकून, एक अलग सी शांति मिलती है। ओवरऑल आप लोकेशन भी देखिए कितनी प्यारी जगह पर ये चर्च बना हुआ है, वैसे ही बाहर सराउंडिंग में इतनी ज्यादा शांति है, पूरा जंगल ही जंगल है। और ये चर्च भी एकदम मिलिट्री के अंडर आता है एरिया, बिल्कुल देखो सीलिंग देखो, बहुत मेंटेन भी बहुत अच्छी तरह नल किया गया है, और पुराने स्टाइल नल ही मेंटेन। हाँ
डोर कितनी ब्यूटीफुल है देखिए। कितना जंगल है इस तरफ। अब चलते हैं आगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल रास्ता है। सेंट पैट्रिक से भी हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, रिंग रोड की तरफ दक्षाई के। इतना ब्यूटीफुल एरिया ये, और भी ज्यादा शांत और ज्यादा ग्रीनरी और ऊंचाई पर है एरिया। रोड्स आप देखिए कितने नैरो, कितना वेल मेंटेन्ड है। हां जी, की काम कर रहे हो? आजो थानू थल्ली दिखावा और एक चीज। अच्छा जी, आजो थानू एक चीज दिखावा। हाँ जी, आजो यहाँ से रास्ता है। बाकी यहाँ से व्यू आप चेक कीजिए कितना ब्यूटीफुल है। तो जी यहाँ पर ओल्ड यूरोपियन सिमेट्री है, और यहाँ पर है जी बहुत ही पुरानी ग्रेवियर्ड ओल्ड यूरोपियन सिमेट्री। ये देखिए एंट्री गेट, और ये सारी ग्रेवयार्ड है नीचे आप देख सकते हो। ऊपर रहा रोड, रोड पर हमने कार पार्क की और वॉकिंग वॉकिंग नीचे आ रहे हैं। हार्डली 200-300 मीटर नीचे आना होगा आपको, और थोड़ी स्टीप चढ़ाई होगी वापस जाते वक्त। तो ये है जी ओल्ड ग्रेवयार्ड, और इस जगह का इतिहास कुछ इस तरह से है। ब्रिटिश एरा के समय यहाँ एक मेजर हुआ करते थे, मेजर जॉर्ज वेस्टन। वो एक सर्जन थे रॉयल आर्मी में, और उनकी वाइफ जिनका नाम था मैरी रिबेका वेस्टन, वो एक नर्सिंग ऑफिसर थी रॉयल आर्मी में। और ये दोनों मैरिड थे और दक्षाई में ही रहा करते थे, और इन्हें दक्षाई से बहुत प्यार था तो वो यहीं रहते थे। लेकिन शादी के 17 ईयर्स बाद भी वो चाइल्डलेस थे, लेकिन अब उन्हें बेबी होने वाला था। लेकिन लेबर पेन की वजह से माँ और बेबी दोनों की डेथ हो गई 10 दिसंबर 1909 में। तो मेजर ने अपनी वाइफ मैरी और अपने अनबॉर्न चाइल्ड की याद में बहुत ही ब्यूटीफुल सी ग्रेव बनाई, कब्र बनाई। उसे फिर यहाँ के लोकल्स मेम की कब्र कहते हैं, और ये जगह मेम की कब्र के नाम से फेमस है। तो चलिए चल के देखते हैं। तो ये एंट्री गेट है, ये तो बंद होगा। साइड से देखते हैं। ग्रेवस्टोन ने क्रॉस रखे हुए लगते हैं, वो पुराना हो गया था रखता है। ठीक है। तो कई टूरिस्ट यहाँ आते भी हैं देखने मेम की कब्र। और ऊपर आ रोड। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, उत्थे मेम की कब्र। यहाँ सारी ग्रेव्स हैं। ये सारी ग्रेव्स हैं। तो जी ये सामने रही मेम की कब्र, मैरी रिबेका वेस्टन की कब्र, और इनकी डेथ हुई थी 1909 में। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं ना, लेकिन सारी ओपन है। इस तरफ भी, इस तरफ भी, वो वहां तक, ये सारी कब्रें ओपन है। लेकिन ये कब्र ही बंद करके रखी है, पिंजरा सा बनाया हुआ है ताकि कोई अंदर जा ना सके। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैरी की जब डेथ हुई थी 1909 में, तो उनके हस्बैंड ने उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मार्बल से बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रेव बनवाई थी उनकी। और बाद में धीरे धीरे ऐसी लोकल्स में बात चलने लगी कि जो भी इस ग्रेव का मार्बल का टुकड़ा तोड़ के लेके जाएगा उसके घर जरूर बेटा होगा, बॉय होगा। तो इस तरह से लोगों ने मार्बल के पीसेस ले जा के, वो पुरानी जो ग्रेव थी
उसको पूरा तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद में 1968 में फिर से इस ग्रेव को रेनोवेट किया और ये आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रेव बनाई गई है। मदर और उनके गोद में बच्चा और ऊपर से एंजल ब्लेसिंग्स देते हुए। तो ये है मेम की कब्र, जोरावर ए है मेम की कब्र ए है। सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेव जो है सबसे ब्यूटीफुल भी बनाई हुई है और पिंजरे में बंद की हुई है ताकि कोई अंदर ना जा सके। कई सारी ग्रेव्स है और यहाँ कई और भी ग्रेव्स है, उनके साथ भी छेड़छाड़ हुई हुई है। उनके भी मार्बल स्टोन्स, जो ग्रेव पे स्टोन होता है, वो निकालने की कोशिश की गई है बहुत सारे ग्रेव्स की। ये देखिए किसी की ग्रेव है और ये मार्बल को इतनी अच्छी तरह से कार्व किया जैसे कोई पेपर फोल्ड हो रखा है। ये देखिए हाँ जी देख ले। और इस ग्रेवयार्ड को भी काफी हॉन्टेड माना जाता है। दक्षिण में ओल्ड पोलो ग्राउंड के पास में ओल्ड यूरोपियन सिमेट्री है और रोड से थोड़ा नीचे 200-300 मीटर आपको वॉक करके आना होगा तब ये ग्रेवयार्ड आपको दिखेगी, अदरवाइज रोड से नहीं दिखेगी। सामने मंदिर भी है और 3-4 घर भी बने हुए हैं वो वहां ऊपर। और मोस्टली टूरिस्ट जो दक्षिण आते हैं वो यहाँ विजिट करते ही करते हैं। मेन गेट पहले जो आपको ग्रेवयार्ड हमने दिखाई थी वो जेल म्यूजियम के बिल्कुल पास में थी। ये जो ग्रेवयार्ड है ये थोड़ा सा आगे आकर आपको पोलो ग्राउंड के पास में ये ग्रेवयार्ड मिलेगी। ये ऊपर भी स्टेप्स जा रही है। और देखिए कितनी ज्यादा ऊंचाई पे हम लोग इस वक्त। ये देखिए व्यू है ना ब्यूटीफुल, और एकदम ठंडी हवा चल रही है। जो मेन एंट्रेंस है वो ये है लेकिन ये लॉक है, बंद है, तो साइड से ना आपको आना होगा। वहां से थोड़ा सा रास्ता बनाया गया है फिर जाके वो सामने आएगी मेम की कब्र। तो ठीक है जी, आज का ब्लॉग फिर हम यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, love you, take care, bye-bye. अगला व्लॉग भी जरूर देखना।